सर भाई कल बोल रहे थे मेरी शादी में है ना अपनी शादी की शेरवानी पहन के आएंगे। 95 पार होगा, 100% होगा। दिन में वर्कआउट करा दी सर, रात को ही हो रहा है आपका। What's up guys, स्वागत है आप लोगों का रोड टू अमेचर आर्नोल्ड क्लासिक के एपिसोड नंबर 5 में। तो अभी मैं जा रहा हूँ भाई सर के पास, अभी आज से हम वर्कआउट स्टार्ट करेंगे। सर की थोड़ी तबीयत खराब थी, सर को कोविड हो गया था, तो अब सर बिल्कुल ठीक है। एटलीस्ट सर ने 14 दिन तक क्वारंटाइन किया हुआ खुद को। तो कल मैं सर से मिल के आया था रात को, तो सर ने बोला कि कल से करेंगे वर्कआउट स्टार्ट, आज हम करेंगे बढ़िया से चेस्ट वर्कआउट। धूप बढ़िया आई है, छत पे जाएंगे। मैंने बेंच भी मंगा लिया, जस्ट बेंच है ना जोड़ना अच्छे से। तो अभी जस्ट मैं सर को पिक कर लेता हूँ। ये लगेगा ऐसे। उस दिन सर ये 4 फ्लोर है ना यहाँ पर, तो मैंने सोचा यार इतने डंबल उठाने पड़ेंगे बारी बारी। मैंने प्री वर्कआउट पी लिया, भागा भागा लाया सारे डंबलों को लेके। जोड़ना तो आसान ही है, अभी ट्रांसफॉर्मेशन तब तक हम काफी चेंज कर लेंगे अपने आप को जब तक जिम खुलते हैं। बिल्कुल सर, घर पे ही आपकी तो सर बहुत चेंज हो जाएगी। हाँ, मेरे काफी। मैंने देखा सर आपका तो हफ्ते में रिजल्ट आता है, हफ्ते में रिजल्ट आता है, क्योंकि आपकी मसल मैच्योरिटी सर इस लेवल की है। हाँ कभी ये सी जी पूरा हो गया। हाँ यही तो चक्कर है, भारी भारी अब सर को लगा होगा। इसने तो प्री वर्कआउट दे दिया, जोश आ गया। अब सर ये होता है ना, अब ये होता है साल बाद की मैंने और सीधा हैवी कर दी। ये होता है सर की 200 किलो डला हुआ, कौन उसे निकाले बार बार, कौन डाले, चलने दो। पर ग्रेजुअली बढ़ानी चाहिए कभी भी, ये जितने ये देख लो कितना भी एक्सपीरियंस हो गलती सब करते हैं, गलती सब करते हैं। हाँ हाँ, बस जोश जोश जो जोश जोश में मार दी सबने, जोश जोश में मार दी। तो चलते हैं भाई वर्कआउट करने। अभी मैं प्री वर्कआउट लेना है एक स्कूप, और अभी बहुत टाइम से है ना मैं अकेला वर्कआउट कर रहा था घर पे, तो सर को कोविड हो गया था, बट अब सर ठीक है। आज से करेंगे बहुत तगड़ा वर्कआउट, आज करेंगे चेस्ट वर्कआउट। तो मैं एक स्कूप प्री वर्कआउट ले लेता हूँ, और मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाता हूँ। अभी मेरी है ना PCT चल रही है, तो रिसेंटली मैंने अपनी डाइट में ये वाला प्रोटीन ऐड किया है। ये है बिग मसल्स न्यूट्रिशन का प्लांट बेस्ड सुपरफूड वेगन प्रोटीन, जो कि कॉम्बिनेशन है 8 सुपरफूड वेजीज और प्लांट बेस्ड प्रोटीन का। अगर आप जिम नहीं भी जाते हो फिर भी एक एक्टिव लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए आपके लिए ये प्रोटीन बहुत ही बढ़िया है। और मसल ग्रोथ के लिए जो सबसे बड़ा फैक्टर आता है डाइट में वो होता है प्रोटीन। तो इसके एक स्कूप में है 26 ग्राम प्रोटीन, 5.5 ग्राम BCAA, 5 ग्राम ग्लूटामिन और 0 ग्राम शुगर, जो कि मसल ग्रोथ के लिए बहुत ही बढ़िया है। और इसमें क्या खास बात है, मैंने ना पहले भी बहुत सारे प्लांट बेस्ड प्रोटीन ट्राई किया, बट वो बड़ा ना कड़वे फील होते थे, बट इसके जो तीनों फ्लेवर है वो बहुत ही बढ़िया, मैंने तीनों मंगा लिए। एक ये चॉकलेट है, लीची है और एक और है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जाके चेक कर लेना भाई। 15 दिन की सर्विंग मंगा लेना, 849 रुपीज की आती है। आप पहले चेक करो आपको कैसा फील हो रहा है, उसके बाद आप बड़ा वाला डब्बा भी मंगा सकते हो। इसमें कोई भी बैंड सब्सटेंस ऐड नहीं है, ग्लूटेन फ्री है, और जो लोग लैक्टोस इंटॉलरेंट हैं उनके लिए बेस्ट है। तो इस प्रोटीन को मैं दिन में, शाम को, रात को, कभी भी मेरा मन करता है तो मैं एक स्कूप पी लेता हूँ। अभी फिलहाल मैं प्री वर्कआउट ले लेता हूँ, इसको मैं शाम को लूँगा। आज चलते हैं भाई, आज तगड़ा वर्कआउट करने, आग लगा देंगे। आपने तो बॉडी कंडीशन कई दिन हो गए मेरी देखे, आज देखना मेरी बॉडी कैसी हो रही है सर। और भाई अगर आप लोग भी घर पे वर्कआउट कर रहे हो तो देख के कर लिया करो, हम भी डंबल से कर रहे हैं, आप लोग भी डंबल से कर लेना। मसल ग्रोथ का सर सबसे बड़ा फैक्टर मेरे हिसाब से अब मैंने सीखा है वो है माइंड मसल कनेक्शन। हाँ यही है,
बॉडी बिल्डिंग सारी माइंड मसल कनेक्शन है, जितना बढ़िया होता जाता है उतना मसल जो है। अब नहीं तो कितनी भी मारे जाओ सर एक्सरसाइज क्या फर्क पड़ेगा। तो भाई अगर आप बढ़िया वर्कआउट करते हो, बढ़िया डाइट लेते हो, फिर भी आपके रिजल्ट नहीं आ रहे, तो माइंड मसल कनेक्शन एक बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है कि आप वर्कआउट करते वक्त फोकस नहीं करते उस मसल पे जिस मसल पे आपको हिट करना है। ठीक है, जैसे अभी हम पुशअप्स कर रहे हैं, ठीक है, तो हमारा सारा फोकस कहाँ है, मसल टेंशन बनी रहे चेस्ट पे। सर बॉडी बनाने लगते हैं, कभी कुछ हो जाता है कि मेरा पीछे बॉडी बनाने लगे, मेरा कंपटीशन के लिए छोड़ दी, अभी बॉडी बनाने लगे, कोरोना हो गया, जिम बंद हो गए। सही बात है, अब लोअर बैक में एक और परेशान कर दिया। ये देखो बेल्ट लगानी पड़ रही है सर को, नहीं तो बहुत रेयर देखा होगा आपको। ये होना चाहिए स्लोली डाउन अप एंड स्क्वीज। वेरी नाइस, चलने दो। मेरा सर सही लग रहा है आपको? बढ़िया है, बहुत बढ़िया, ड्रॉप नहीं हुआ बिल्कुल भी। देखो अगर फ्रंट से दिखाऊं आपको, हाँ बढ़िया, बिल्कुल बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, ब्रॉड पूरा बढ़िया। अब एक दिक्कत हमें आएगी लेग्स की। मैं तो कर लूँ, तू तो सफाई करेगा, रेगुलरिटी हो ही नहीं पा रही मेरी वजह से ही कर रहे हो सर आप। हाँ बस तू आएगा तो, अब जैसे तू आया कल आके घर बैठे रहे, हम आज मन बन गया करनी है कि कर लेते हैं। हाँ अदरवाइज मैं कहाँ करता था, मौज ले रहा था। ये भी भाई जबरदस्ती लेके आया आज, आज बारी आ गया करके। चलो बोला सर, चलो आज, चलो आज। क्योंकि मेरे को पता है सर, एक बार दो तीन दिन आ गया ना, फिर ये लगा क्या है, चलो यार। सही कह रहा, ठीक है, जैसे कंपटीशन के बाद आप घर पे थे, हाँ, तो कॉल पे यही बोलते थे हमेशा, हाँ, यार अब डेली नहीं आता ना, ऐसे लगता पता नहीं कुछ है अधूरा है अभी। सही बात है, फ्लैट ले सर। हाँ ले, हल्के से शुरू कर ले, बेंच का भी टेस्ट हो जाएगा। हाँ बेंच तो में दिक्कत नहीं आएगी। सही लग रहा है बेंच। हाँ। आप सर जैसे मिले थे ना जब, हाँ, तो बहुत कमजोर होते, अब तो नहीं लगते आपको? नहीं अब नहीं लगता, तब तो मतलब भी नहीं देते, एक टाइम खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा था ना, अब कोविड तो भी था। हाँ वो वाला नहीं हुआ ना। आज सर की बॉडी देख लेना, और अगर सर ने ये लगा लो दो हफ्ते बढ़िया से कर ली ना, तो चेंजेस देख लेना। बड़े दिनों बाद वेट उठा है, मजा आ रहा है आज करके, नहीं तो साला मैं तो पेशेंट ही फील करने लग गया था। और सर ये धूप होगी ना सुबह सुबह, वो लगाएगा नहीं है, शाम हो गई, मतलब कल से अगर धूप होगी तो। हाँ धूप में अगर करें तो मजा आएगा। सर भाई कभी वर्कआउट नहीं करते, कभी भी वर्कआउट नहीं करते, मतलब ये लगा लो अभी आर्नोल्ड क्लासिक की जब से तैयारी स्टार्ट करी थी, हफ्ता वर्कआउट करा होगा सही से, ठीक है, पाँच दिन छः दिन, फिर छूट गया,
उससे पहले मेरी तैयारी करा रहे थे तब भी वर्कआउट नहीं कर रहे थे। बढ़िया शेप मेंटेन रहती है जब भी सर की। अरे सर मेरे कपड़े का हाल देखो। अब मेरा साइज बढ़ गया और मेरे कपड़े थे पुराने। अब जो जो चीजें स्ट्रेच हो जाती है उनका तो कुछ नहीं। वो पजामा पहना मैंने और सोनिया का स्क्वाट्स करा रहा था, ऐसे ही गया था, फिट था बिल्कुल। ऐसे वाजी चर ठीक है स्ट्रेट अप। हाँ स्क्वीज कर, हाँ कॉन्ट्रैक्ट कर मसल। हाँ ये परफेक्ट है, यही होना चाहिए। चल भाई चल चल चल, यस गो ऑन। चलो ये भी पकड़ लेता हूँ आराम से। हुई बड़े दिनों बाद समझाई सर आपने वर्कआउट। उस दिन के बाद तो सर ने समझाना ही छोड़ दिया। जिस दिन वो था अमेचर ओलंपिया का फाइनल था, उस दिन सर ने मेरे को देख के समझाना ही छोड़ दिया जब मैं लगा हुआ था। उस दिन तो ये रुक ही नहीं रहा था, मैं तो ये समझ रहा हूँ करेगा क्या। हुआ क्या था, अमेचर ओलंपिया का फाइनल डे था, प्री जजिंग क्लियर हो गई थी, ठीक है। तो सर ने मेरी है ना रात से तैयारी करानी स्टार्ट कर दी, ब्लोटिंग वगैरह ख़त्म होगी, एकदम रिप्ड बॉडी होगी, टैनिंग अच्छे से होगी नेक्स्ट डे, फाइनल की बात है। सर मुझसे पूछ लेते हैं डंबल से करें फ्री कैसे करें, कैसे करना चाहता है। तो सर मुझसे ना पूछ लेते हैं, और मेरी आदत है मुझे पंप आता है जब तक डंबल नहीं आते ना पंप नहीं आता। तो मैंने बोला सर जिम में चलते हैं, वो अमेचर ओलंपिया में जो लगे हुए थे वहाँ करते हैं वर्कआउट। भाई वहाँ पर वर्कआउट करने लगे, ठीक है। मैंने पूछा सर कितने मारूं, सर बोला मारता रहे, ये लगा लो मारता रहा, मैं मारता रहा मारता रहा। सो ही रैप लगा गया, मैं इसे कहूं बस कर, ये तो मैं सर नहीं रुकूंगा आज, मैं कहा एक सेट मारूंगा वही पंप का होना चाहिए। मुझे है ना सर उसमें पंप नहीं आता, जो रेजिस्टेंट बैंड होते ना मेरे को आता, हल्का वेट हो रैप ही रैप रैप ही रैप। तो मैं उस दिन भी अलग ही सीन था वो, ठीक है। मेरे को दिखाओ सर, मैं देखूँगा, यहीं रहो यहीं रहो, मैं देख लूँगा क्या फ़र्क आया थोड़ा बहुत। अरे सर आप तो तगड़े लग रहे हो पहले से, मतलब लड्डू खा खा के। हाँ सर पहले से तो में ना लड्डू खा खा के ताकत तो आ गई भाई, साइज सुइज बढ़िया अपना, कहीं से भी सर कमज़ोर नहीं लग रहे आप। हालांकि अब जो बीमार भी हो गया मैं और एक्सरसाइज भी आज वो कितने टाइम, मेरे ख्याल 2 हफ्ते से ज़्यादा हो गए किए हुए, लेकिन ये है कि डाउन नहीं हुआ। अब मेन है डाइजेशन ठीक है मेरी ना अभी, पीछे वीकनेस का रीज़न था कि जो डाइजेशन खा ही नहीं रहे थे सर, मैं से मतलब अगर मैं एक रोटी भी खा रहा था वो भी डाइजेस्ट नहीं हो रही थी, तो बड़ा बहुत बड़ा रीज़न था। अब तो सर बहुत फास्ट हो गया आपका। हाँ जब 1 किलो लड्डू आप पचा सकते हो। गूंद के बने थे क्या? हाँ गूंद के है, देसी घी डाल के, देसी घी वाला। हाँ हाँ समझ गया मैं भाई, वो तो स्वाद का लेवल, और साथ में दूध का गिलास ले लिया देसी, पेट भर देते हो। अरे पेट की एनर्जी इतनी, ठंड में चाहे तू कपड़े उतार दे सारे। सर भाई कल बोल रहे थे मेरी शादी में ना अपनी शादी की शेरवानी पहन के आएंगे। कहीं और तो पहनी नहीं जाती तो मेरी शादी में ही पहन लेंगे। रैप मारूंगा सर इसमें बहुत जितने हो सकता।
सोनिया बोल रही थी मेरे को अगले दिन, आपने करा दी ना इसकी, बोली थी हाथ नहीं उठ रहे मेरे, हाथ फील नहीं हो रहे मेरे को। इसका पूरा उस दिन सो आज भाई इस बेंच का टेस्ट ले रहे हैं हम। अभी इसको जोड़ा था हमने, अभी इंक्लाइन में टेस्ट ले गए, इसमें ये सही है। हाँ हाँ, पहले हल्के से ही मार के देखूंगा क्या सीन है। मैं अपनी पूरी फिजिक अपडेट दिखाऊं सर। हाँ। कैसी हो रही है बॉडी देखना, पूरी बॉडी कैसी हो रही है। हाँ। तगड़ी हो रही है, सही है। बढ़िया, एन ऑफ सीजन खाया पिया लग रहा है, अच्छी शेप में है। हाँ, हाँ। बहुत बढ़िया, गुड। फिर वही गलती कर रहा है, पोजिंग की अभी से प्रैक्टिस कर दूँ। हाँ, ये ज़्यादा नहीं उठाना, देख अब मैं निकालूंगा, देख तेरे सामने क्या करना है, जस्ट खड़ा है इसको, ये ऊपर को लेना है बस। ये करना है, कुछ नहीं करना, दोबारा करना। ये देख ना, जैसे ये खड़ा है ना, तूने क्या करना है भाई, इसको ऊपर को लिया, ये ऐसे, ये उठाने जितना ये शोल्डर उठाएगा ये नहीं बाहर निकलेगा। ये वहां भी तो यही गलती कर रहा था। हाँ, ये लगा लो तीन बार में से दो बार अंदर रहा मेरा। हाँ, एक बार खुला था तू, और तेरी बैग इतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी, लेकिन गलती यही कर रहा था। पर खैर, इसका ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था, तो वो भी नहीं कहेंगे कि इतनी बड़ी स्टेज पे पहली बार गया था। चल, हाँ, और पहले नॉर्मल खड़ा हो, इसे लिफ्ट कर और साथ साथ बैग को लिफ्ट कर। हाँ हाँ, ये बस अब इसे हल्का सा, हाँ ये देखना, अब ये बेटर दिख रहा है, ये होनी चाहिए। तो ये है भाई मेरी करंट बॉडी कंडीशन, ठीक है, देख लो फैट आ गया थोड़ा सा। हाँ। बट वेट मेरा 90 केजी के प्लस ही होगा, ठीक है। पिछली तैयारी पता ही आपको 72 किलो से स्टार्ट करी थी, अब की तैयारी में सर को ज़्यादा गेनिंग करानी ही पड़ेगी। हाँ। अब करेंगे कटिंग, बिल्कुल, ठीक है। तो ये मेरा गेनिंग सीजन चल रहा है, एडजस्ट मेरी सर साइकिल नहीं चल रही, तो हार्डनेस थोड़ी अभी नेचुरल चल रहा है, जो भी चल रहा है, पीसीटी चल रही है एक तरीके से, रोटी चल रही है, चावल चल रही है, घी चल रहा है दबा के, अंडे चल रहे हैं होल एग, क्योंकि मैं चाहता नहीं है वो। सर भी भाई यही बोल रहे हैं कि अब अलग से सर बल्किंग करे फिर, ठीक है, बॉडी कंडीशन रख के फिर कटिंग करे, नहीं फिर बहुत टाइम चाहिए, साल चाहिए, बिल्कुल। पिछली बार हमने ना कटिंग को एक महीना दिया था, महीना का 20 दिन दिए थे, वही 20-25 दिन है। हाँ, 20 दिन। अब की बार हम कटिंग को देंगे 3 महीने। हाँ, कंडीशनिंग, हाँ कंडीशनिंग पे फोकस करेंगे अभी, क्योंकि जो हमें वेट का रेज करने का था इशू, वो तो सर अब है ही नहीं, है ही नहीं, ठीक है, अब वो इशू नहीं है। ज्यादा से ज्यादा सर 95 चला गया बहुत हो जाएगा सर, बहुत 95 भी क्रॉस करेंगे, करेंगे 95 पार होगा, 100% होगा, अभी तो 90 पार है।
भाई देख ही ली होगी करंट बॉडी कंडीशन अपने भाई की, तो अब स्टार्ट करेंगे और गेनिंग करूँगा मैं। हाँ लड्डू बनवा ले अब गूंद के गूंद के शादी के लड्डू बनेंगे गूंद के लड्डू तो बिल्कुल गाजर पाक। हाँ ये तीन चीज मेरा पहचान में मैं पहली बार है ना सर, पहली बार अपनी बॉडी में इस तरह फैट आने दे रहा हूँ सर। ठीक है पहले मेरा ये होता था कि भाई मेरे को एब्स चाहिए, मेरे को लीन बॉडी चाहिए, एस्थेटिक दिखना है। ठीक है अब जैसे ही मैं प्रोफेशनल फील्ड में घुसा हूँ ना, तो ये मेरा पहला टाइम है जब मैं होने दे रहा हूँ कि एक बार तो सर मैंने वो वर्कआउट ही छोड़ दिया था कोविड में। ठीक है उस टाइम तो क्या हुआ था, वो तो बढ़ना ही था फैट। अब की बार मैं खाना भी खा रहा हूँ दबा के, वर्कआउट भी कर रहा हूँ, तब भी मेरी बॉडी में फैट आ रहा है क्योंकि मैं फैट ज्यादा ले रहा हूँ, कैलरी ज्यादा ले रहा हूँ, कार्ब मैंने बढ़ा रखे है। ठीक है ये चीज है ना, मैं कई बार मेरे को ऐसा लगता है यार देख बॉडी में फैट आने लग रहा है यार, एस्थेटिक बॉडी नहीं दिख रही, एंजॉय करना चाहिए। ठीक है पर मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम्स मेरे को हाँ ये समझ में आ जाता है और खुद से फील होता है कि कोई बात नहीं अभी जो फैट है ना यही स्टेज पर है ना काम आएगी ये बॉडी। ठीक है अगर मैं अभी वही एस्थेटिक बॉडी बना के रखूंगा ना स्टेज पे मैं वैसा ही दिखूंगा जैसा मैं 6 महीने पहले था, वही हो जाएगा। इम्प्रूवमेंट क्या दिखेंगे। ठीक है मेरे को चाहिए ना इम्प्रूवमेंट सर। भाई तेरे को इम्प्रूवमेंट चाहिए और तेरे को बढ़ना है, ग्रो करना है, वहीं थोड़ी रुके रहना है। यही यही सर यही चीज। तो जब तूने ग्रो करना है तो उस हिसाब से नहीं तो सर बॉडी दिखाने की बात हो तो सर क्या है कॉम्पिटिशन में तैयारी करी और वही लो कैलोरीज रखो अपनी, वही फैट मेंटेन रहेगा पूरे साल। ठीक है थोड़ी बहुत सॉफ्टनेस आ जाएगी पर एब्स वेब सारी चीजें तो भाई बढ़ना है, मेन हमारा मकसद है ग्रो करना, बात खत्म। अब मेरे को यही है सर कि मेरे को अगले कॉम्पिटिशन में अपने खुद को चेंजेस दिखाने हैं कि पहले कंपटीशन में मैं ऐसा गया था और अगले कंपटीशन में मैं ऐसा हूं, तो फर्क देख लो दोनों में। ठीक है और जब तू अगली बार आए तो हमारा ये है कि तू एटलीस्ट 87 का ऑन स्टेज हो। जो अब तू 83 था 83 किलो, अब तू 87 होना चाहिए विद श्रेड, पूरा श्रेड। तो वो चीज हम टाइम लेके करेंगे, अब हमारे पास टाइम अच्छा है। अब ये देख लो सर अगर मैं 87 किलो का आप बोल रहे हो स्टेज पे आना है मेरे को, अगर मैं ऐसे गेनिंग ना करूं बल्किंग ना करूं, 90 किलो गेनिंग करा और वही 83 पे वापस आ गया, वो नहीं हमने तो बढ़ना है। यही चीज सर मैं सोच के कि हाँ भाई नेक्स्ट कंपटीशन में भाई कि दिखाना है कि ग्रो करना है। ये देखो भाई पहले का डिफरेंस और अब का डिफरेंस। सर फ्लाई में एक तो हाथ को मैं ऐसे ही रखे और एक थोड़ा फोल्ड कर ले, देख फोल्ड कर सकता है, मैक्सिमम तुमने क्या करना है स्ट्रेच देना है चेस्ट को। हाँ जिस पोजीशन में तेरे को लगता है ना मैक्सिमम स्ट्रेच आ रहा है उस पोजीशन में, सीधे हाथ में तो है ना शोल्डर पे आता है, शोल्डर पे आएगा थोड़ा बेंड करने पर। हाँ ये अब तेरी चेस्ट पे आएगा मेरी है ना भाई कमर है ना ऐसे स्टिफ हो गई थी बिल्कुल कॉम्पिटिशन से एक दिन पहले हम एयरपोर्ट पे जा रहे थे। सर बोले ये तो भाई दिक्कत हो जाएगी, सर ने वहीं पर बोला एयरपोर्ट पे यहीं पर लेट जा मैं कमर सही करता हूँ। मैं भाई वहीं पर लेट गया सर कमर सही करने लग रहे मेरी वो भी अलग एक्सपीरियंस था। हाँ सर मजा आ गया आज वर्कआउट करके बड़े दिनों बाद, जब भी तो आपको जबरदस्ती पकड़ के लाया है। सही कहा। तो भाई आज का वर्कआउट डन, बड़ा तगड़ा फील हो रहा है सर मेरे को वर्कआउट करके। ओके बाय सर, बाय सर, बाय सर, बाय। सरकार लोगे खुद आज भाई बाहर गए थे ये सोफा लेने, मेरे को लग गई है भूख, मैं सबसे पहले प्रोटीन पी लेता हूँ। आज मैंने ये वाला प्रोटीन पिया नहीं है, अभी पी रहा हूँ शाम को, ये बिग मसल्स न्यूट्रिशन का प्लांट बेस्ड सुपर फूड वेगन प्रोटीन। अभी भाई हमें ना सर के घर भी जाना थोड़ी देर में, वहां पर सर ने इनवाइट किया हुआ है। दिन में वर्कआउट करा दी सर, रात को ही हो रहा आपका वर्कआउट में आज सुना है ना आई यहाँ जाएंगे तो सफाई हो जाएगी माहौल लग रहा है सर चलाते हुए बिल्कुल। यार।
मेरा वेट इतना हो रहा है सर, मेरे से ऐसे बैठा नहीं जाता फाटड़ी फूटड़ी पे वेट ज्यादा बढ़वा दिया आपने मेरा वेट अभी और बढ़ेगा। हमारी शादी हुई तो इनका भी तो वेट ज्यादा था, तो ये वो क्या कहते हैं चौकड़ी मार के नहीं बैठ पा रहे थे, फैल के बैठते होंगे सर। तीन घंटे हो गए भाई बात करते करते सर के साथ, आज आग भी बुझ गई अब तो। हाँ चले चलो बाय सर। ओके बाय सर, गुड नाइट सर, गुड नाइट। तो भाई अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन आंसर की। पिछले एपिसोड में भी आप लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे थे, उसमें से एक क्वेश्चन मेरे को बहुत बढ़िया लगा। किसी ने पूछा था हर सेट के बाद कितना रेस्ट टाइम लेना चाहिए। तो जब हम बात करते हैं रेस्ट की बिटवीन सेट्स, तो ऐसा कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं होता कि आपको 30 सेकंड रेस्ट लेना है, 1 मिनट रेस्ट लेना, 2 मिनट रेस्ट लेना, 3 मिनट रेस्ट लेना है, ठीक है। जब भी आप अपना सेट खत्म करो, फॉर एग्जाम्पल आपने 12 से 15 रेपिटेशन मारे, अगर आप 10 सेकंड बाद, 15 सेकंड बाद या 30 सेकंड, 1 मिनट बाद वापस से वर्कआउट करने लग गए और आप रेपिटेशन निकाल ही नहीं पा रहे हो, ठीक है, तो फायदा नहीं है ना उस चीज का। अपने आप को इतना टाइम दो कि आप वापस से बढ़िया सेट लगा सको, चाहे वो 1 मिनट आप रेस्ट लो, 2 मिनट लो, 3 मिनट लो, 4 मिनट लो, ठीक है। तो रेस्ट का डिपेंड करता है हर इंसान के हिसाब से, ठीक है। मैं कभी 1 मिनट का रेस्ट लेता हूँ, कभी 2 का, कभी 3 का। जैसे मैं डेडलिफ्ट मार रहा हूँ, ठीक है, उसमें मेरे को 3 से 4 मिनट का रेस्ट चाहिए, 5 मिनट का भी हो सकता है वो रेस्ट, ठीक है। स्क्वाट्स मार रहा हूँ, ये बहुत हैवी वर्कआउट है, अगर मैं कोई लाइट वेट से वर्कआउट कर रहा हूँ तो मैं कम रेस्ट लेता हूँ। तो अगर आपको मुझसे कुछ भी पूछना हो तो कमेंट कर देना, नेक्स्ट एपिसोड में तुम्हारा भाई किसी एक इंसान के क्वेश्चन का आंसर जरूर देगा। ये है रोड टू अमेचर आर्नोल्ड क्लासिक का एपिसोड नंबर 5। लाइक कर देना वीडियो को, सब्सक्राइब कर देना, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। टिल देन, नॉट पीस गेन्स।